La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. पिछले दर्स में मैंने आपसे अली कैरवानी का एक कौल नकल किया था कि उन्होंने कहा कि उनके शहर में एक आदमी रहता है जिसका नाम है अब्दुल्लाह और उसकी कुनियत है अबू मोहम्मद, और अल्लाह ताला ने उसको ये सलाहियत दी है कि वो मुर्दों से कलाम करके उनसे राज की बातें करता है। इस ज़मन में इब्न क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह किताब रूह में एक वाक़या नकल करते हैं कि एक बुढ़िया थी, वो फौत हो गई, बेचारी नेक थी। इनके पास किसी औरत की 7 अशरफियाँ बतौर अमानत रखी हुई थी। वो औरत रोती पीटती इन्हीं अबू मोहम्मद अब्दुल्लाह के पास आ गई और इनसे कहने लगी कि भाई मैंने तो इन बुढ़िया के पास 7 अशरफियाँ बतौर अमानत रखवाई थी और अब बुढ़िया का इंतकाल हो गया है और पता ही नहीं चलता अशरफियाँ कहाँ हैं। तो आपने कहा अच्छा तुम ऐसा करना कि कल आना। तो रात को अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ताला ने रात में ख्वाब में अबू मोहम्मद अब्दुल्लाह की उस बुढ़िया से मुलाकात करा दी। तो ख्वाब में उन्होंने बुढ़िया से पूछा तो बुढ़िया ने बता दिया। अगले दिन वो औरत आई तो उससे कहा कि भाई देखो ख्वाब में मुझे बुढ़िया ने ये बताया है कि उसकी घर की छत पर 7 लकड़ियां हैं, 7वीं लकड़ी में एक ऊनी कपड़े में लिपटी हुई अशरफियाँ रखी हुई हैं, वहाँ से जाओ और ले लो। चुनाचे वो उस बुढ़िया के घर में गई, उसकी छत पर गई, जो 7वीं लकड़ी थी वहाँ उसने उन अशरफियों को उसी तरह पाया जिस तरह उस बुढ़िया ने ख्वाब में बयान किया था। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह।